रांची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में घर से एक ही खानदान की तीन बच्चियों और उनकी वालदा की लाशें मिली हैं। कराची के अल्फला थाने की हदूद शमसी सोसाइटी के एक घर में पुरतशद्दुद वाकयात में तीन बच्चियों और उनकी वालदा को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक मर्द को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का खानदान इस इलाके में पहली मंजिल पर किराए पर मुकीम था। घर से तीन बच्चियों और एक खातून की खून में लथपथ लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें तेज धार आले के वार करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाकये से मुतल्लिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इलाका मकीनों से पूछगीछ की जा रही है, जबकि इतराफ में लगे कैमरों की भी फुटेज हासिल की जाएगी। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुरंगी साजिद अमीर सदोजई के मुताबिक शमसी सोसाइटी का वाकया मकतूल खानदान का अंदरूनी मामला है, जिसमें मुबैना तौर पर जख्मी होने वाला शख्स ही चार अफराद के कत्ल का मुल्जिम है। साजिद अमीर सदोजई के मुताबिक मकतूलीन में मुल्जिम फवाद की अहलिया और उसकी तीन बच्चियां शामिल हैं। मुल्जिम फवाद मसाला कंपनी में सेल्स मैनेजर है, जिसने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और तीन बच्चियों को कत्ल करके खुदकशी करने की कोशिश की। साजिद अमीर सदोजई के मुताबिक वारदात के बाद कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, जिससे शुबा है कि यही मुल्जिम असल वारदात करने वाला है। जाय वकूआ से आला कत्ल खून आलूद छुरी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। कत्ल किए गए अफराद में जख्मी फवाद की अहलिया हुमा, 16 साल बेटी नेहा, 12 साल बच्ची फातिमा और 10 साल बच्ची समरा शामिल हैं। फवाद की हालत तश्वीशनाक है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जीना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी के मुताबिक जख्मी और लाशों को घर का दरवाजा तोड़कर निकाला गया। इमारत में एक फ्लोर पर फवाद और दूसरे पर उसके भाई की फैमिली रहती है। फवाद का भाई मुलाजमत पर था, पड़ोसी भी वाकये से लाइल्म थे। फवाद निजी कंपनी में सेल्समैन है। फवाद शदीद जख्मी हालत में है। मकतूला हुमा के भाई असद ने जिना अस्पताल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं था कि बात कत्ल तक पहुंच जाए। हम हुमा और तीन बच्चियों का पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। एसएसपी कुरंगी का कहना है कि पोस्टमार्टम जरूरी है, कोशिश करेंगे पोस्टमार्टम हो, मेडिको लीगल होना जरूरी है, वो करवाएंगे। मुमकिन तौर पर मुल्जिम फवाद ने पहले बेगम और फिर तीन बेटियों को कत्ल किया है। फवाद की वालदा से मालूमात हासिल की हैं। फवाद का अहलिया से झगड़ा मामूल था। फवाद की अहलिया की आवाज़ भाभी ने सुनी तो घर वाले ऊपर गए। दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर वाले अंदर दाखिल हुए। शोर शराबे की आवाज़ न आने से शुबा है कि नशा आवर चीज दी गई है। साजिद सदोजई के मुताबिक फवाद फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता है। सुबह फवाद ड्यूटी पर गया और घर आकर वापिस आकर ये काम किया। पुलिस का कहना है कि फैमिली मना कर रही है, मगर पोस्टमार्टम कर रहे हैं। चार कत्ल का मामला है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फवाद की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दोपहर 1:30 बजे तक सब सही था। आज बच्चियां स्कूल और कॉलेज भी गई थी। बेटे को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। मैंने 2 चीखों की आवाज़ सुनी तो मैंने ऊपर कॉल की कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं जब ऊपर गई तो दरवाज़ा नहीं खुला। फवाद की वालदा ने मजीद बताया कि हमने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो कुंडा खुल गया। अंदर गई तो बच्चियां जहां सोती थी वहीं पड़ी हुई थी। दूसरे कमरे में बहू के ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। अंदर गई तो मेरा बेटा फवाद भी जख्मी पड़ा था। मेरे बेटे या बहू ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। आज सारी पोतियां मुझसे मिलकर पढ़ने गई थी। तो क्या रिश्ता था उनसे? तो मेरा बड़ा बेटा था, बड़ी बहू थी, बच्चियां थी, उसकी छोटा बेटा मेरे साथ रहता है यहीं पे। वो ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहती हूँ। क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी मैं, इस वजह से हम लोग नीचे थे। क्या वाक्य हुआ था? क्या इनकी पुराने भी ताल्लुकात खराब रहते थे? नहीं, बहुत अच्छे थे। बच्चों के ऊपर जान दिया करता था। लेकिन 3 बजे के करीब एक सुनाई दी चीख, जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई वो। तो मैंने फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया, बात ही नहीं हुई।
पांच मिनट के बाद में फिर दोबारा ठीक हुई। मेरी बड़ी बेटी होगी उसकी फोन आई, चेक सुनाई दी, फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई, देखा तो दरवाजा बंद था, पीट रहे, आवाजें दे रहे, शोर मचा रहे, नहीं खोले, फिर से दोनों आते थे पकड़ के जो दरवाजे से दौड़ाए खोलाए तो वो ऊपर से खुल गई। जब जाके देखा तो सारे बच्चे मेरे घूम पड़े थे और बयान नहीं कर सकते क्या हुआ है, किस तरह हुआ, अंदर खाने का क्या। फवाद के हमजुल्फ का कहना है कि फवाद को माली मसाइल का सामना नहीं था, फवाद अपनी बेटियों और बीवी से मोहब्बत करता था। फवाद के हमजुल्फ का कहना है कि फवाद पर एतमाद और रख रखाव वाला इंसान है। अब इस मामले पर नया मोड़ आ गया है और पुलिस का कहना है कि फवाद ने बैरून मुल्क मुकीम अपने भाई को वीडियो कॉल पर बताया कि वो फैमिली को कत्ल करने जा रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद भाई ने कराची में मौजूद भाई को इस हवाले से आगाह किया, जिसने अपनी अहलिया को फ़ोन करके इतला दी। खातून के पहुँचने तक फवाद कार्रवाई कर चुका था। पुलिस का कहना है कि बच्चियाँ स्कूल से आकर सो रही थी, फवाद की अहलिया के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म थे।